दोस्त है। जाहिर है बहुत से लोग यहां मुझे जानते नहीं होंगे, उसका आज मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि आज मैं जिस वजह से यहां आया हूं या यहां बुलाया गया हूं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये इंसान रहा है और रहेगा हमेशा। रिश्ता हमारा बहुत बहुत सालों से है। जब मैं फुल टाइमर बन के शुरुआत में यहां आया था, आई एम मोर ऑफ अ टेलीविजन एक्टर, यू माइट कॉल मी, थिएटर भी करता रहा हूं। बहुत पहले, करीब 22 साल पहले होगा, जब शुरुआती दौर में मैं कोई सीरियल कर रहा था, मेरा पहला सीन था जिसमें वो मेरे पापा बने थे, और उस सीन मैं आता हूँ, मेरी छोटी बहन का देहांत हो गया और मैं कहीं बाहर से आता हूँ, वो टिपिकल जो सीन होता है उस तरह का सीन था। वो सीन हमने थोड़ा रिहर्स करके किया, उसके बाद जैसे ही कट हुआ, विक्रम जी ने ऐसे हाथ ऊपर किया, डायरेक्टर को बोला रुक, मुझे हाथ पकड़ के ले गए मॉनिटर की तरफ, प्ले करो बोला, कुछ नहीं कहा, बोला फिर से एक बार देख। मेरे साथ में बैठ के सीन देखा, देखते देखते मेरा कॉन्फिडेंस टूट चुका था, क्योंकि मैंने बहुत गंदा किया था ऐसा मुझे लगने लगा था। तो मेरा चेहरा जो उतर रहा है उसे देख के उन्होंने बोला, समझ में आया क्या हुआ है? मैंने बोला हाँ, तो चल फिर करते हैं। मेरे हाथ पैर फूल गए थे, मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं, चल आ बाहर सिगरेट पीते हैं। वो पीते नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरे साथ एक सिगरेट भी पी ली, और फिर हमने सीन किया, और वो करते करते समझ में आ गया कि अब कुछ ठीक ही हो रहा है। उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है, ये कुछ नहीं कहा, सिर्फ दिखाया कि ये देखो और समझो। दैट वॉज द बिगनिंग। पता नहीं कब, उसके बाद उनके साथ काफी काम करता रहा, काम करते करते मैं उन्हें डैड बुलाने लगा। वो अभी तक कायम था, और शायद एक बहुत सौभाग्य की और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि शायद उन्होंने जाने से पहले भी जो लास्ट काम किया, मुझे पता नहीं, शायद काकू इस बात का असल क्या है बताएंगे, लेकिन शायद वो बीमार होने से पहले आखिरी काम भी शायद हम लोग ने साथ में किया, 7 और 8 अक्टूबर को। तब बहुत बातें हुई, एक नई फिल्म की प्लानिंग हुई, स्टोरी सुनाई गई, 2 दिन मुझे क्या क्या करना है, ये तो हमेशा होता रहा। लेकिन शायद वो, पता नहीं उसके बाद उन्होंने शूटिंग की या नहीं की, उसके बाद भी हमारी कुछ और पर्सनल चीजों को लेकर बातें होती रही। उनकी, उनके बर्थडे पे हमने फोन किया था, मेरी बेटी तब पूना में थी, उनके लिए उन्होंने, मेरी बेटी ने कुर्ता भी खरीदा था कि उनको जाके गिफ्ट करेंगे, लेकिन वो पूना में नहीं थे उस दिन, क्योंकि वो भाग जाते थे बर्थडे पे, वो अपने घर में नहीं रहते थे, निकल जाते थे पिछले कुछ सालों से। तो बोले मैं नेक्स्ट डे आऊंगा, तब वो, आज भी वो कुर्ता मेरे पास वैसा ही पड़ा हुआ है। फिर 2 दिन में मेरी बेटी की शादी है, उसमें वो आने वाले थे, बहुत कुछ पूछा था, बहुत जाना था, बहुत प्यार से। मैंने पहला अपना घर लिया 2002 में, शायद 2002 में, तब भी एक बार उनको मैंने बोला था कि घर लिया है, मैं इस दिन शिफ्ट हो रहा हूं, पूजा है, आपको आना है सुबह 8 बजे। मेरी 5 लोगों की फैमिली के अलावा पहले किसी बाहर के या बाहर के छठे आदमी का अगर कदम पड़ा हो मेरे घर में, तो वो विक्रम काका थे, वो डैड थे। मुझे पता ही नहीं था वो आने वाले, क्योंकि वो कभी कभी हाँ मैं आऊंगा, प्ले देखने आऊंगा बोलते थे, आते नहीं थे, लेकिन यहां पहुंच गए। मैंने दरवाजा खोला एंड आई वॉज अमेज्ड। और फिर आके जो अपने तरीके से वो सारा घर अपने कब्जे में ले लेते हैं, इनसे बात करो, माँ से बात करो, सबसे, वो बहुत बहुत देर तक बैठे। इससे और क्या सौभाग्य की बात हो सकती है? और सबसे बड़ा सौभाग्य जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, भूल ही नहीं सकता, जिस मराठी प्ले के लिए विक्रम जी जाने जाते हैं, जाने जाते रहेंगे हमेशा, जयवंत दलवी लिखित बैरिस्टर नाटक, जो उन्होंने 1976-77 में किया था, उसके बाद वो किसी ने नहीं किया। फिर एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही डिफिकल्ट प्ले,
उसके बाद उन्होंने ही दो बार वो किया, मैंने देखा ही नहीं था वो। और अचानक सौभाग्य से एक दिन उनका फोन आया कि बैरिस्टर कर रहा हूं, और मैं उस वक्त बहुत बिजी था, मुझे पता ही नहीं था किस लिए बुला रहे। बोले आजा, मैंने बोला मैं आऊंगा, कुछ भी करके आऊंगा, मैं बैकस्टेज करूंगा क्योंकि मुझे नाटक सीखना है, पढ़ा हुआ है, समझने की कोशिश की है, समझ भी नहीं आ रहा है, लेकिन आप अगर डायरेक्ट कर रहे हैं, आप ही काम कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, तो मैं बैकस्टेज करने आऊंगा। बैकस्टेज करने के लिए मैं गया था। वो जिनको कास्ट करना चाहते थे, ऐसे मेरे ही अपने बहुत करीबी काबिल दोस्तों को जिनको विक्रम जी ने चुना था, उनको मैं फोन पे कन्विंस कर रहा था, अरे यार करना, बैरिस्टर कर रहे हैं, विक्रम जी कर रहे हैं यार, लेकिन वो हुआ नहीं। और अचानक एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, तुम करोगे? मैं सुधबुद में ही था, नहीं था क्या मैं करूंगा, मतलब क्या, ये समझ में नहीं आया। मैंने बोला मुझ पर विश्वास है। बिल्कुल, आप पर नहीं तो और किस पर विश्वास हो सकता, बस तू कर रहा है बैरिस्टर। और उसके बाद के जो 2 महीने थे मेरी जिंदगी के, आज तक के सबसे सबसे बेहतरीन दिन थे वो, क्योंकि उनके साथ वो नाटक पढ़ना, वो समझने की कोशिश करना, वो सीखना, वो रिहर्सल्स करना, वो उनकी डांट खाना, बहुत 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 किस्से, अगर वो किस्से सुनाने लगो तो शायद 4 घंटे निकल जाए। और उनके बाद, उसके बाद वो प्ले उनके सामने करना, ये भी अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात थी। और बाद में फिर कुछ शोज होने के बाद उस शो को, उस नाटक को मैंने प्रोड्यूस किया, क्योंकि वो प्ले मुझे करना था। तो उसमें जब उन्होंने वो प्ले किया था, काम किया था, डॉक्टर विजया मेहता ने डायरेक्ट किया था उस वक्त, और अब जब मैं कर रहा हूं, जब वो करते थे तब उसमें का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खतरनाक ऐसा कैरेक्टर उनके पिताजी चंद्रकांत गोखले जी बाबा निभाते थे, वो कैरेक्टर वो करते थे। तो जब मैं कर रहा था तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपने बाबा को ट्रिब्यूट देना चाहता हूं, तो तुम्हारे साथ बाबा ने जो रोल किया था वो मैं करूंगा। और क्या क्या चाहिए किसी को, लेकिन मैंने हाँ तो कहा, सबका कहना ही था, वो ही डायरेक्टर थे और वो करने वाले थे, मैंने हाँ भी कर दिया। लेकिन पहली बार रिहर्सल्स तो की थी अभी थोड़ी बहुत, लेकिन जब वो स्टेज पर आए उस कैरेक्टर में, एक तो रोल ही बड़ा डोमिनेटिंग, बहुत छोटा सा रोल है, 3 छोटे छोटे सीन है उसके, लेकिन जब आए मैं कुछ पल के लिए ब्लैंक हो गया था पहले शो में, ऐसा कुछ ऑरा लेके वो आए थे। और ये सौभाग्य रखने वाला, मुझे खुशी है इस बात की कि इस धरती पर केवल मैं ही हूं, विक्रम जी के साथ उनके अंडर, उनके निर्देशन में बैरिस्टर करना और उसके बाद उनके साथ वो प्ले करना, इससे ना क्या चाहिए। लेकिन उसका एक ही किस्सा छोटा सा, वो कितने महान एक्टर थे, कितने महान शिक्षक थे, इसका उदाहरण आपके सामने रखता हूं। हम शोज कर रहे थे, बहुत अच्छे शोज हो रहे थे, बहुत तारीफें हो रही थी, बुकिंग भी अच्छी हो रही थी, ये थोड़ा मुश्किल होता है मराठी में बहुत अच्छे नाटकों का कभी कभी, लेकिन ये भी उनका ही संचित है जिसकी वजह से वो हो रहा था। और हम लोग कालिदास नाट्यगृह मुलुंड में शो के लिए गए थे, मैं मेकअप कर रहा हूं, वो इधर सोफा पे बैठे हैं, और अचानक वो बोले शैलेश सॉरी। क्या हुआ? उस नाटक का एक लाइन है, एक छोटा सा लाइन वाक्य, जिस वाक्य को लेके रिहर्सल से, पहली रिहर्सल से लेके अब तक हमारा हमेशा झगड़ा होता था, बहस होती थी कि मैं एक अप्रोच से वो कहना चाहता था और कहता भी था, और वो बोलते थे कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे, मैं ऐसे करता था, ये देख। अरे उस दिन वो अचानक बोले शैलेश सॉरी। मतलब क्या हुआ? तू जो बोल रहा था ना वो सही है, मैं 35 साल से उस वाक्य के बारे में गलत सोच रहा था। ये सुन के हम सारे जो एक्टर्स थे हम स्टन हो गए। अरे बोले ये कैसे इंसान है ये, 35 साल से वो नाटक उन्होंने पिया हुआ था, जैसे मैम ने कहा पिया हुआ नाटक उन्होंने, इतना अच्छा, इतना माइलस्टोन नाटक है मराठी का, उसके एक वाक्य पे मैं उनसे बहस कर रहा हूं, मेरी क्या हस्ती है, कौन हूं मैं, फिर भी मैं अपने दिल से, अपनी सोच से उनसे बहस किए जा रहा हूं, और अब ये इंसान मुझे कहता है कि नहीं, तेरी सोच इस
परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही है, मैं गलत सोच रहा था, तू वैसे ही कर। उस शो में उस वाक्य के वक्त मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, वो ऐसे विंग में खड़े होते थे, उस वक्त वो स्टेज पे नहीं थे, लेकिन विंग में खड़े होते, नहीं तो हमेशा नजर जाती थी, मैंने नजर चुराई उनसे, क्योंकि अगर मुझे, मैं अगर उनकी नजर से नजर मिला था तो शायद मैं आगे कुछ बोल ना पाता, पता नहीं, अजीब फीलिंग थी। लेकिन बाद में मैंने ये सोचता रहा हमेशा कि ये किस तरह का शिक्षक है जो अपनी एक वाक्य के बारे में, अप्रोच के बारे में गलत सोच है ये कबूल करना, एक मुझ जैसे एक छोटे से जो एक्टर कहलाने के लायक भी नहीं है उनके सामने, उनसे वो उससे उन्होंने ये इतने सिंपली, इतने ग्रेसफुली कह दिया, ये बड़प्पन है उस इंसान का। मैं यहां प्रेयर मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं था, उसकी मेन वजह अमित ये थी कि मुझे वाकई नहीं लगता कि वो नहीं है, क्योंकि आज भी जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही, आज भी सुबह वॉक पे जाता हूं तो आज मैं उस नाटक का एक अंक मन में बोलता हूं, कल दूसरा अंक बोलता हूं। आज वो नाटक हिंदी में करने की मेरी बहुत इच्छा है, मैंने कभी हिंदी नाटक ज्यादा किया नहीं है, वो मैंने उसके दो ड्राफ्ट बना के, अलग अलग बैकग्राउंड भी बना के उसके तैयार किए, मैंने उनसे इस बार 7-8 अक्टूबर में जब बड़े दिनों बाद हम साथ में दिन भर थे तब भी उनसे कहा था, वो बोला तू कब शुरू करेगा रिहर्सल बता मैं आऊंगा। मैंने ये भी वो बोला कि आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, इस बार मैं डायरेक्ट करूंगा। बोले बिल्कुल करना, मेरे लिए रोल है, ऐसा मुझसे ही पूछ रहे थे क्या 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 है ये। पर्सनली हमारा रिश्ता इतना इतना क्लोज था, उन्हीं दिनों में जब 7-8 तारीख को हम शूट कर रहे थे, मैंने काकू से भी उस दिन कहा था, हम लोग खाने पे बैठे ब्रेक में, तो सलाद वगैरह लेके आए बड़े ठाट से, और बाद में हरी मिर्ची 8-10 लेके खाने लगे, तो मैं सारी यानी वो कितने बड़े हैं ये सब मन में नहीं आया, मैंने गुस्से से उनको बोला, चिल्लाए क्या कर रहे हो, हाँ मिर्ची खा रहे हो, तो फिर मुझे समझाने लगा, उससे दृष्टि अच्छी होती है, स्किन देखो मेरी अब कितनी अच्छी है, इसी की वजह से ये सब उन्होंने कह दिया। मैं गुस्सा हुआ, फिर मुझे मनाया उन्होंने आपके, फिर हम लोग बातें करते रहे। ये सब यादें यादें किसी चले गए इंसान के बारे में नहीं है, ये यादें मैं तो अमित या किसी भी, जब उनका देहांत हुआ तो लोग इमिडिएटली सोशल मीडिया पर डालना शुरू करते हैं अपनी यादें, अपने फोटो वगैरह वगैरह डालना शुरू करते हैं, मुझे बिल्कुल कभी पसंद नहीं आया, मैंने इनके साथ तो मैं ऐसे कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो वो कहीं गए नहीं है मेरे लिए, मेरे साथ वो आज भी हैं ही, और मुझे कुछ यादें उनकी जो है ना मेरे साथ, वो मेरी अपनी है, वो मेरी अपनी है, मैं नहीं शेयर करना चाहता वो किसी से, लेकिन वही यादें शायद मुझे और कुछ रास्ता दिखाएंगे, कुछ ठीक ठाक कर पाऊं, अगर कर पाया तो ये उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं की सिखाई हुई बातें होंगी, अगर नहीं कर पाया तो ठीक है, यही अपना प्रारब्ध होगा, लेकिन एक सौभाग्य मेरा हमेशा रहेगा और जो मैं हमेशा अपनी छाती से लगा के रखूंगा कि मेरे डैड और मैं साथ में गिरे पिछले 22 साल से थे, और आगे भी जब तक सांस में सांस है वो मेरे साथ रहेंगे। थैंक यू।